यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला है कि ब्रिक्स आपका क्या कहलाता है, तो ब्रिक्स ऑब्टेंड बाय, ब्रिक्स को हमने कैसे पाया, क्लियर। तो अब मोल्डिंग के लिए आपने किले को क्या किया, मोल्ड किया एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में, और उसका जो साइज रखा है वो कैसा है, एक यूनिफॉर्म साइज है, और उसको आपने ड्राई किया, देन बर्न किया, किसको, उस ब्लॉक को जो आपको मिला, दैट इज ब्रिक्स, क्लियर। तो आपकी ब्रिक्स की यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी है, क्या हो जाएगी, ब्रिक्स आर ऑब्टेंड बाय आप मोल्डिंग के लिए इन रेक्टेंगुलर ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ यूनिफॉर्म साइज एंड देन ड्राइंग एंड बर्निंग दीज ब्लॉक, उस ब्लॉक को ड्राई किया गया, बर्न किया गया, क्लियर, फिर आपको जो मिला दैट इज ब्रिक्स, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर लो कि ब्रिक को आप क्या बोलते हो, जल्दी से, ब्रिक्स आर ऑब्टेंड बाय मोल्डिंग क्ले इन रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ यूनिफॉर्म साइज एंड देन ड्राइंग एंड बर्निंग दीज ब्लॉक्स, ये आपका ब्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका कंपोजिशन, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है कंपोजिशन ऑफ ब्रिक आर्ट, क्लियर। जो आपने यहाँ पे मोल्डिंग के लिए की बात की गई है, क्लियर, उसका आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपोजिशन निकालना है कि इस ब्रिक आर्ट में क्या क्या कंपोजिशन, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे मिक्स किए गए हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट हेडिंग आपका है कंपोजिशन ऑफ ब्रिक आर्ट, नेक्स्ट हेडिंग आपका है कंपोजिशन ऑफ ब्रिक आर्ट, वो सबसे पहला कंपोजिशन जो यहां पर यूज किया जाता है वो है आपका एल्यूमिना, एल्यूमिना मतलब Al2O3, एल्यूमिना आपका ब्रिक में 20-30% वेटेज रखता है, कितना रखता है, 20-30% आपका वेटेज एल्यूमिना का होता है ब्रिक आर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है सिलिका, नेक्स्ट आपका क्या यूज होता है यहाँ पे, सिलिका यूज होता है, डेट इज SiO2, ठीक है, आपको ये नाम भी साथ में याद रखना है, सिलिका का जो यहाँ पे कंटेंट है डेट इज 50-60%, 50-60% जो कंटेंट यहाँ पे यूज हो रहा है वो सिलिका का कंटेंट यूज हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे यूज होता है लाइम, क्या होता है आपका लाइम, डेट इज CaO, ठीक है, और लाइम आपका 4-5% आपका ब्रिक आर्ट में पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 4-5% पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड जिसको आप बोलते हो Fe2O3, और यह आपका जो होता है यह भी आपका कितना होता है, 5-6% होता है ब्रिक आर्ट, 5-6% आपका ऑक्साइड्स ऑफ आयरन यहाँ पर होता है, क्लियर, ब्रिक आर्ट में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो होता है मैग्नीशिया, नेक्स्ट आपका होता है मैग्नीशिया, ठीक है, तो मैग्नीशिया MgO should not be greater than 1%, यह 1% से ज्यादा ब्रिक अर्थ में नहीं होना चाहिए। तो ये जो अभी हमने परसेंटेज की बात की है, ये कंपोजिशन है आपके इंग्रेडिएंट्स के, ब्रिक में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसमें सबसे पहला आता है एल्यूमिना, एल्यूमिना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नेक्स्ट यहाँ पे सिलिका है, सिलिका आपका पूछा जाता है, और नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ आयरन है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये तीन इम्पोर्टेंट आपके हैं, क्लियर, जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इम्पोर्टेंट अगर मैंने यहाँ बता दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिमेनिंग छोड़ दो, लाइन का परसेंटेज याद नहीं रखोगे, मैग्नीशिया का नहीं रखोगे, क्लियर, ऐसा नहीं, याद आपको सबको रखना है, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, तो ये आपको मेमोरी में होना चाहिए, ठीक है।
क्लियर है इतना इतना क्लियर है सभी को? तो नेक्स्ट यहां पे आते हैं कि जो आप इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो, जो इंग्रेडिएंट आप यूज कर रहे हो उसका फंक्शन यहां पर क्या है, ठीक है? तो फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन यहां पे सबसे पहले आपका देखते हैं एल्यूमिना का, ठीक है? नेक्स्ट सबसे पहला जो फंक्शन यहां पे देखेंगे एल्यूमिना, एल्यूमिना Al2O3 आपका होता है, ठीक है? तो इसका जो आपके ब्रिक में फंक्शन है सबसे पहला वो है इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। क्लियर? अब यहां पर यह ब्रिक अर्थ को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो कि सो दैट इट कैन बी मोल्डेड इजीली, हम ब्रिक अर्थ को इजीली मोल्ड कर पाते हैं। क्लियर? हैंस मोल्डिंग या मोल्डिंग इजीली, ठीक है? एल्यूमिना का फंक्शन यहां पे है टू प्रोवाइड प्लास्टिसिटी। क्लियर? यह प्लास्टिसिटी को प्रोवाइड कराता है, ठीक है? तो आपकी मोल्डिंग जो होती है वो क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। क्लियर? अब अगर एल्यूमिना जो आपका है इफ इट इन एक्सेस, अगर यह है ज्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में क्या है, प्रेजेंट है, देन इट कॉज श्रिंकेज एंड वार्पिंग। क्लियर? आपके ब्रिक में श्रिंकेज और वार्पिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर एल्यूमिना 20-30% से क्या है, ज्यादा प्रेजेंस है, ठीक है? तो यहाँ पर श्रिंकेज और वार्पिंग का इशू आना चालू हो जाएगा अगर यह एक्सेस अमाउंट में है। क्लियर? वार्पिंग से आप समझते होगे क्या कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रेक देखोगे तो क्या है आपका ब्रेक, इस टाइप का आपका ब्रेक होता है, ठीक है? तो क्या होगा, इसकी जो एजेस है हल्का सा ऐसा क्या हो जाएगी, बेंड होना चाहिए, ठीक है? वार्पिंग, शार्प एज आपको नहीं मिलेगी, ये आपकी क्या कहलाती है, वार्पिंग कहलाती है। आपके इसका क्या हो जाना, वार्प हो जाना, ठीक है? वार्पिंग, ठीक है? ये आपकी क्या कहलाती है, वार्पिंग कहलाती है, ठीक है? तो जब आप ब्रिक को क्या करोगे, बर्न करोगे, जलाओगे, हीट प्रोवाइड करोगे, तो यहाँ पे जो ब्रिक होगा वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये आपके एल्यूमिना के फंक्शन हो गए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो एल्यूमिना के फंक्शन को। नेक्स्ट आपका यहाँ पे होता है सिलिका, नेक्स्ट आपका यहाँ पे होता है सिलिका SiO2। तो सिलिका का सबसे पहला आपको यहाँ पे पॉइंट रखना है टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म शेप, यह ब्रिक को एक यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है, यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड कराता है। अब यूनिफॉर्म शेप जो ब्रिक को मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा, कि आपके ब्रेक में जो श्रिंकेज हुआ है, वार्पिंग हुई है, क्रैकिंग हुई है, वो क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाए। क्लियर? तो यूनिफॉर्म शेप कैसे मिला इसको,
तो यहाँ पे एक साथ में पॉइंट और बोल सकते हो आप, इट प्रिवेंट द क्रैकिंग श्रिंकेज एंड बार्पिंग ऑफ ब्रेक। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट क्रैकिंग बार्पिंग एंड श्रिंकेज ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सिलिका को आपने एक्सेस अमाउंट में यूज किया है, किसमें यूज किया है, एक्सेस अमाउंट में यूज किया है, इफ इट इज इन एक्सेस। क्लियर, यहाँ पे लिख रहा हूं इफ इट इज इन एक्सेस। क्लियर, एक्सेस अमाउंट में अगर है तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन, डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ में जो आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में जो कोहेजन की प्रॉपर्टी होती है उसको यह ब्रेक कर देता है और फाइनली आपके टोटल ब्रिक का क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन होना चालू हो जाता है। आप हाथ लगाते हो उसके पार्टिकल्स ऐसे क्या हो जाते हैं, बिखरना चालू हो जाते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ इट इज इन एक्सेस, इसके बाद लिख लेना आप एक्सेस के बाद, इट डिस्ट्रॉय द कोहेजन, इट डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल, कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल प्रेजेंट इन द ब्रिक अर्थ, प्रेजेंट इन द ब्रिक अर्थ and finally leads to its disintegration। क्लियर, आप डायरेक्टली लिखना चाहो तो ऐसा लिख लेना, इफ इट इज इन एक्सेस डिस्ट्रॉय कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स एंड लीड्स टू दिस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रेक। क्लियर, दिस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रेक, आप डायरेक्टली चाहो तो एक शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपके सिलिका के फंक्शन हो गए हैं, एक्सेस अमाउंट में जाएगा तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी वो भी हमने यहाँ पे लिख ली है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे लाइन, ठीक है, तो लाइन को लिखते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपका यहां पे आता है लाइन, दैट इज CAO। कैसे मिला था आपको लाइन, लाइन को कैसे हमने ऑब्टेन किया था, कमेंट के थ्रू जल्दी बताना, अगर रिवीजन हो गया आपका तो आप बताओगे जल्दी से, लाइन का फॉर्मेशन जो हुआ था, लाइन कैसे बना था, कैसे मिला था आपको, कमेंट के थ्रू बताएं आप। भाई कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन, राहुल करेक्ट है आपका आंसर, ओके योगेश, लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन से, CaCO3 के कैल्सिनेशन से, ओके अच्छा टेम्परेचर बताओ, कैल्सिनेशन में टेम्परेचर, टेम्परेचर जल्दी से बताएं आप, हीटिंग प्रोसेस, ओपन हीटिंग प्रोसेस किसकी आप करा रहे हो, टेम्परेचर बताइए आप यहाँ पे, कैल्सिनेशन का टेम्परेचर कितना होता है,
शिवांगी टेम्परेचर क्या होता है कैल्सिनेशन का, कल हमने टेम्परेचर भी डिस्कस किया था। यस, कैल्सिनेशन का टेम्परेचर आपको बताना है 900 टू 1100। ओके राहुल, करेक्ट है आपका। पुष्पेन, 1100 होता है 1000 की जगह, ठीक है। 900 डिग्री मिनिमम होता है योगेश, एंड मैक्सिमम इज 1100। चलो ओके, डिवीजन किया है मीन्स। तो यहाँ पे लाइम की हम बात करेंगे तो लाइम भी यहाँ पर ब्रिक्स में श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है, क्लियर। ऑल्सो प्रिवेंट श्रिंकेज, ऑल्सो प्रिवेंट श्रिंकेज, क्लियर। अब अगर आपका लाइम जो है वो क्या है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, क्लियर। क्या है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंस है, इट कॉज ब्रिक टू मेल्ट। ये क्या करेगा, इट कॉजेस या इट कॉज द ब्रिक टू मेल्ट। मतलब यहां पे ब्रिक आपका जो है वो पिघल जाएगा। पिघलने से मतलब है यहां पे, या ब्रिक के मेल्ट होने से मतलब है लॉस्ट इन शेप, वह अपने शेप को खो देगा, ठीक है। अगर आपका लाइम एक्सेस अमाउंट में है तो ब्रेक आपका मेल्ट हो जाएगा, पिघलना, ठीक है। पिघलना को यहाँ पे क्या बोला उसने, लॉस्ट इन शेप, वह अपने शेप को खो देगा। जो आपने रेक्टेंगुलर ब्लॉक में मोल्ड किया था, पता नहीं कौन सा वो मोल्ड बनेगा, ठीक है। तो अगर यह एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, नेक्स्ट यहां पे है, इफ द लम्स ऑफ द लाइम आर लेफ्ट, इफ लम्स ऑफ द लाइम आर लेफ्ट, अगर आपके लाइम में लम्स रह जाते हैं, क्या रह जाते हैं, लम्स रह जाते हैं, तो फिर क्या होगा। तो अगर आपके ब्रिक में या सॉरी लाइन में लम्स रह जाते हैं तो फिर क्या होगा, क्या होगा कि लाइन जो होगा प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर, अगर लाइन को क्या मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, तो इसमें क्या हो जाती है, स्लैकिंग प्रोसेस हो जाती है। तो अगर आपके ब्रिक में लाइन में लम्स रह जाते हैं तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर स्लैकिंग एक्शन यहाँ पे हो जाएगा और आपका ब्रिक वहां पे क्या करेगा, क्रैक होगा, और क्रैक होने के बाद उसमें डिसइंटीग्रेशन होना चालू हो जाएगा, झड़ना चालू हो जाएगा आपका ब्रेक, क्लियर। आप हाथ लगाओगे पार्टिकल्स वहां पे झड़ना चालू हो जाएंगे, क्लियर। अगर लम्स प्रेजेंस रह जाते हैं लाइम में और वही लाइम आपने ऐड कर दिया है ब्रेक में, क्लियर। तो इस पॉइंट को लिख लेना यहाँ पे, ये दो पॉइंट तो आपने लिख लिए होंगे, ऑल्सो प्रिवेंट श्रिंकेज एंड इफ इन एक्सेस इट कॉज ब्रेक टू मेल्ट एंड लॉस्ट इन शेप, क्लियर। या तो ब्रेक आप क्या कर देगा अपना शेप लॉस्ट कर देगा। नेक्स्ट वाला लिखना जो पॉइंट था, इफ द लम्स ऑफ द लाइम आर लेफ्ट इन द ब्रिक्स, इट स्लैक इन द presence of moisture results in the cracking and disintegration, results in the cracking and disintegration of the bricks. क्लियर। नेक्स्ट है आपका ऑक्साइड्स ऑफ
आयरन। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है ऑक्साइड ऑफ आयरन, लिखते हैं उसको। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, तो सबसे पहला यहां पे लिखना है इट हेल्प फ्यूजिंग ऑफ लाइम एंड सिलिका। क्लियर, फ्यूजिंग ऑफ लाइम एंड सिलिका, या फिर ऐसा बोल सकते हो इट हेल्प एज लाइम टू फ्यूज सैंड। इफ हेल्प एज लाइम टू फ्यूज सैंड। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है, आपका है यह क्या है, इट ऑल्सो इम्पार्ट रेड कलर टू द फैब्रिक्स। क्लियर, इम्पार्ट्स रेड कलर टू ब्रिक्स। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका जो आयरन ऑक्साइड है वो रेड कलर यहां पे क्या करता है, इम्पार्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पे क्या आएगा आपका, यहां पे नेक्स्ट कि अगर ऑक्साइड ऑफ आयरन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंस है, इसमें प्रेजेंस है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंस है, तो यह आपके ब्रिक को डार्क ब्लू और ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर, एक्सेस कलर ऑफ ब्रिक इज ब्लू एंड ब्लैकिश। क्लियर, अगर एक्सेस अमाउंट में होगा तो आपके ब्रिक का जो कलर होगा वो ब्लू एंड ब्लैकिश कलर हो जाएगा। क्लियर, ब्लू में भी लिख लेना साथ में, डार्क ब्लू, कौन सा होगा आपका, डार्क ब्लू एंड ब्लैकिश कलर आपका यहां पर हो जाएगा। क्लियर, अब नेक्स्ट यहां पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपेरेटिवली लेस क्वांटिटी यहां पे हो जाए। क्लियर, तो एक्सेस के अलावा अपन ऐसा भी बोल सकते हैं डिफिशियंसी, अगर आयरन ऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ आयरन की डिफिशियंसी आ जाती है तो जो आपका ब्रेक होता है वो एलोएस कलर का हो जाता है। किसका हो जाता है, एलोएस कलर। तो ये भी आप याद रखना कि अगर कम अमाउंट में आप मिक्स करोगे या स्मॉल क्वांटिटी आप यूज करोगे तो यह एलओएस कलर का आपका हो जाएगा। क्लियर, तो डिफिशियंसी में आपका ब्रेक एलओएस कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑक्साइड ऑफ आयरन का फंक्शन था। क्लियर, आपका यहां पे है मैग्नीशियम, तो लिख लेना यहां पे प्रोवाइड एलोटेंट कलर टू ब्रेक। यह ब्रेक को हल्का सा एलोटेंट कलर प्रोवाइड कराता है। साथ में सेकेंड पॉइंट लिख लेना डिक्रीज श्रिंकेज, यह भी श्रिंकेज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, श्रिंकेज डिक्रीज। क्लियर, नेक्स्ट यहां पे है आपका बट एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम, यहां पे मैंने बोला था शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1%। ठीक है, इफ इन एक्सेस,
अगर यह एक्सेस में होगा तो आपके ब्रेक का क्या हो जाएगा, डिके होना चालू हो जाएगा। क्लियर? तो डिके ऑफ ब्रेक आप डायरेक्टली लिख लेना, एक्सेस अगर यह हो जाता है ग्रेटर देन 1% हो जाता है तो आपका जो येलो टिंट कलर है वो एक तो येलो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सेकंड ब्रेक का डिके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इंग्रेडिएंट्स थे जो आपके ब्रेक में यूज किए जाते हैं, ब्रेक अर्थ में यूज किए जाते हैं। इनके हमने फंक्शंस भी देख लिए हैं। ठीक है, आप सभी को अगर एक क्लियर है तो थंब के थ्रू बता दें, देन हम आगे पढ़ते हैं हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रेक। अब वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो ब्रेक अर्थ को हार्म मतलब डिफिकल्टी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, उन इंग्रेडिएंट्स की वजह से। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना हार्मफुल इनग्रेडिएंट इन ब्रेक अर्थ। ठीक है, सबसे पहला तो आपका यहाँ पे लाइम ही आता है कि लाइम आपका क्या है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट है। क्लियर, इसको आप डिस्कस कर चुके हो कि अगर लाइम आपका जो होता है एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंस है तो यहाँ पे आपका जो ब्रेक होगा वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्लियर, तो कॉज The break melt, और इसका मतलब है lost in shape। क्लियर, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लेना डायरेक्टली कि अगर एक्सेस में होता है तो आपका ब्रेक मेल्ट होगा और अपने शेप को लॉस्ट कर देगा। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पे होता है आयरन पायराइट। नेक्स्ट आपका क्या होता है, आयरन पायराइट इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, आयरन पायराइट। क्लियर, तो यहां पर आयरन पायराइट अगर आपकी ब्रेक अर्थ में प्रेजेंस है देन यहां पर ड्यूरिंग बर्निंग ठीक है, बर्निंग के टाइम पर आपका जो ब्रेक होगा क्या होगा, ब्रेक होगा ड्यूरिंग बर्निंग, ब्रेक आर क्रिस्टलाइज एंड और एंड डिसइंटीग्रेटेड, क्रिस्टलाइज एंड डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, ब्रेक्स आपका जो होगा वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन पायराइट। क्लियर, तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ, इसको फुल में लिख लेना आप, ठीक है, आयरन पायराइट। ठीक है, आईपी मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप पूरा लिखना आयरन पायराइट। ठीक है, तो आयरन पायराइट अगर आपकी ब्रेक अर्थ में प्रेजेंस है तो बर्निंग के टाइम पर इसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपका ब्रेक हो जाएगा और अल्टीमेटली उसका डिसइंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आयरन पायराइट आपकी ब्रेक अर्थ में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए।
क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका वेजिटेटिव मैटर और ऑर्गेनिक मैटर, क्लियर। नेक्स्ट आपका जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट यहाँ पर है, नेक्स्ट आपका जो हार्मफुल यहाँ पर है दैट इज वेजिटेशन, वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। अब देखो अगर वेजिटेशन या ऑर्गेनिक मैटर आपका ब्रिक अर्थ में प्रेजेंस है तो ड्यूरिंग बर्निंग, जब आप बर्निंग कर रहे होगे तो यह एजा कैसा काम करेगा, कैसे काम करेगा, बर्निंग को असिस्ट करेगा, फ्यूल के जैसे काम करेगा, क्लियर। अब ये क्या रहता है कि ड्यूरिंग बर्निंग पूरा नहीं जलता है, आधा जल जाता है, क्लियर। तो अगर आधा जला तो बाद में ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो छोटे छोटे पोर्स जो आपके होते हैं, यहां से समझो आप, आपने देखा होगा कि जो कुम्हार होता है जो मटके बनाता है, क्लियर, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो क्या करता है हल्का सा घास फूस उसमें क्या कर देता है, डाल देता है, जब वह है क्ले को मिक्स कर रहा होता है, ठीक है, और जब उसकी बर्निंग करता है तो जो आपकी घास होती है वो जल जाती है, छोटे छोटे क्या हो जाते हैं उसमें वर्ड्स हो जाते हैं, इसलिए आपके जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो ठंडा पानी आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, ठंडा पानी हो जाता है उसमें रखते से। तो यहाँ पर अगर आपका वेजिटेशन या ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंस है तो बर्निंग के टाइम पे है, पूरा तो जलता नहीं है, थोड़ा बहुत बच जाता है जिसका ऑक्सीडेशन बाद में हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो आपके छोटे छोटे वॉइड्स और पोर्स आपके ब्रिक्स में यहाँ पे आ जाएंगे, और छोटे छोटे पोर्स अगर आपके ब्रिक्स में यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का आपको ब्रिक नहीं मिलेगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर आपके लिए क्या है, यहाँ पे क्या है, एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, क्लियर, क्योंकि यह है ब्रिक्स को क्या करते हैं, मेक्स पोरस, ब्रिक आपका जो होता है वो कैसा हो जाता है, पोरस हो जाता है, क्लियर, और इसकी स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो लिखना इसमें ड्यूरिंग इट्स डीकम्पोजिशन, ड्यूरिंग इट्स डीकम्पोजिशन During its decomposition, gases release and creates voids, voids की जगह आप pores भी लिख सकते हो, creates voids, but vegetative matter act as a fuel, help in burning, and if it is left unburned, it makes the bricks porous due to evaluation of gases released during its oxidation. नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका पेबल्स, नेक्स्ट आपका जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट है वो है आपका पेबल्स, ठीक है, और आप यहाँ पे कैंकर भी बोल सकते हो, ठीक है, जो आपके छोटे छोटे कंकड़ पत्थर यहाँ पर होते हैं, ठीक है, कंकड़ पत्थर यहाँ पे जो होते हैं पेबल्स एंड कैंकर, यहाँ पे ये भी आपका क्या है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, क्लियर। अब कैसे हार्मफुल है, तो यह भी आपके ब्रिक को पोरस बना देते हैं, क्लियर, क्या बना देते हैं, पोरस बना देते हैं, क्यों, क्योंकि अब अगर कंकड़ पत्थर होंगे तो वो जो आपकी क्ले होगी वो थ्रोली मतलब अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी, क्लियर, और क्या होगा ड्राइंग और बर्निंग के टाइम पे जो आपका कंकड़ होगा वो क्या हो जाएगा, अपने प्लेस से निकल जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक वाइट स्लीव हो जाएगा, वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो पेबल्स में लिख लेना, द प्रेजेंस ऑफ पेबल्स मेक्स द ब्रिक पोरस एंड रिड्यूस इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी,
and reduce its load carrying capacity. नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं एल्कलीज की. क्लियर, एल्कलीज आपको पता है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि एल्कलीज क्या करता है. मोस्टली इफ्लोरेंस यहाँ पे क्रिएट करता है व्हाइट स्पॉट और स्टेनिंग की जो आपको प्रॉब्लम होती है. क्लियर. नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको याद रखना है कि अगर मैं ब्रिक में बात करूं तो एल्कलीज जो ब्रिक में आपकी अवेलेबल होती है जनरली सोडा एंड पोटास के फॉर्म में होती है. क्लियर. इसके जो यहाँ पे फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, सोडा एंड पोटास. मेनली आपको इन दो फॉर्म में ब्रिक्स में आपको एल्कलीज देखने को मिलती है. क्लियर. क्लियर. यहाँ पे बोल सकते हो आप इफ एल्कलीज आर प्रेजेंट इन एक्सिस, लिखते जाना साथ में, इफ एल्कलीज आर प्रेजेंट इन एक्सिस इट लीड्स टू द स्टेनिंग ऑफ द ब्रिक, स्टेनिंग ऑफ द ब्रिक ड्यू टू इफ्लोरेंस प्रोसेस. क्लियर. एल्कलीज अगर एक्सिस अमाउंट में होता है तो यहां पर स्टेनिंग और व्हाइट स्पॉट की जो प्रॉब्लम्स होती है ड्यूरिंग इफ्लोरेंसिस प्रोसेस. ठीक है, इफ्लोरेंसिस प्रोसेस आपको मैं बता चुका हूं, सीमेंट में भी बताया था, मोटार में भी बताया था. इफ्लोरेंस मतलब एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, अल्टीमेटली उसको इवेपोरेट कर देना एंड लीव्स व्हाइट स्पॉट्स. ठीक है, यहां पर व्हाइट स्पॉट का छोड़ देना, डेट इज द इफ्लोरेंस प्रोसेस. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाएगी एल्कलीज की वजह से. ठीक है, तो ये जो थे आपके हार्मफुल इंग्रेडिएंट थे जो आपकी ब्रिक अर्थ में नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्लियर है सभी को. सुरेश का यहाँ पर कमेंट है, सर थोड़ा स्लो. सुरेश स्लो ही तो चल रहे हैं हम, कहाँ स्पीड से भाग रहे हैं. बिल्कुल स्लो ही आपकी प्रोसेस चल रही है. ठीक है, क्लियर है आपको हार्मफुल इंग्रेडिएंट. हमके थ्रू बता दें आप, क्लियर है. बीच में तेज हो जाती है. सुरेश जी टाइम अपने पास कम है, सब्जेक्ट हमारे पास बहुत ज्यादा है और अपने को क्या करना है, सिलेबस को कवर अप करना है. थ्योरी सब्जेक्ट में हम जितना ज्यादा स्लो चलेंगे उतना ज्यादा टाइम लेगा. क्लियर, ये तो अभी बिल्डिंग मटेरियल है, ऐसे ही बहुत सारे थ्योरी सब्जेक्ट यहाँ पे आने वाले हैं. ठीक है, जैसे आपका अभी कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा, पूरा का पूरा मटेरियल है. नेक्स्ट क्यूएससी थोड़ा बहुत वहाँ पे एस्टिमेशन आ जाता तो इतनी दिक्कत नहीं होती, उसमें थ्योरी थोड़ी सी कम हो जाती, फिर भी थ्योरी है वहाँ पे आपकी. ठीक है, इरिगेशन आपका सब्जेक्ट है तो बहुत सारे थ्योरी सब्जेक्ट है. एनवायरमेंट आपका बहुत बड़ा सब्जेक्ट है थ्योरेटिकली. ठीक है, तो थोड़ा सा अपने को स्पीडली तो लिखना पड़ेगा, टाइम हमारे पास कम है, कवर अप हमको बहुत सारी चीजें करना है और साथ में रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, बहुत सारी चीजें करनी है. ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्शन लेना है.
ठीक है, इस बार अपने को सभी नियम बनना ही है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, स्पीड अप थोड़ी सी फास्ट करें। चलो नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेक। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेक आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग में आपको यहां पर क्या करना पड़ता है, तो आपके पास यहां पर फोर ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड है, क्लियर। इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फोर ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड, क्या बोला मैंने, इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फोर ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड, ठीक है। फोर ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड में जो सबसे पहला ऑपरेशन यहां पे आएगा प्रिपरेशन ऑफ द किल्ला, प्रिपरेशन ऑफ द किले। सेकेंड यहां पे जो आपका ऑप्शन आएगा दैट इज मोल्डिंग, वो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, मोल्डिंग का ऑप्शन होगा। थर्ड यहां पर मोल्डिंग के बाद आप क्या करोगे, ड्राइंग सुखाओगे, ठीक है। और ड्राइंग के बाद जो लास्ट आपकी प्रोसेस होगी वो होगी वर्मिंग, ठीक है। तो यहां पर चार ऑपरेशंस आपके इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आपको किले को प्रिपेयर करना है, देन आपको मोल्ड बनाना है, फिर आपको ब्रेक को सुखाना है, फिर क्या करना, सुखाना है ब्रेक को, ठीक है। और क्या करना है, फिर वर्न करना है। तो ये चार ऑपरेशंस आपके यहां पर है, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, हेडिंग का नाम प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ द किले, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ द किले में आपका जो सबसे पहला यहां पे पॉइंट होगा डेट इज अनस्पॉइलिंग। पहली यहां पे जो स्टेप आपकी इन्वॉल्व होगी इन आप प्रिपरेशन ऑफ द किले में डेट इज अनस्पॉइलिंग, ठीक है। That is unsoiling, और unsoiling में आप क्या करते हो, remove top layer, आप क्या करते हो, soil की top layer को remove कर देते हो, clear? तो remove top layer of soil, ठीक है। हमेशा आपको प्रिपरेशन ऑफ द किले में पहला प्रीतम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद हम समझते हैं कि एसएससी जेई और व्यापम सभी इंजीनियर का सिलेबस सेम होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पहली स्टेप्स क्या होगी प्रिपरेशन ऑफ द किले में, कि आपको अनसॉइलिंग यहाँ पे करना है। अनसॉइलिंग से मतलब है कि आपका जो सॉइल होता है उसकी टॉप लेयर को क्या कर देना है, रिमूव करना है, क्लियर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपको कितनी डेप्थ तक उस लेयर को रिमूव करना है, तो याद रखना अबाउट 200 mm, अबाउट 200 mm, क्लियर। फिर आप जाओ और 1 meter वहां पे क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। 1 meter नहीं करना हमने को, कितना करना है 200 mm की टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को हम रिमूव कर देंगे, क्लियर। क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि टॉप ऑफ द लेयर जो आपकी सॉइल की होगी यहाँ पे फुल इम्प्यूरिटीज प्रेजेंस होगी, जो हमने हार्मफुल इंग्रेडिएंट की बात की थी, तो यहाँ पे हार्मफुल इंग्रेडिएंट ज्यादा प्रेजेंस होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे अनसॉइलिंग प्रोसेस में उसकी टॉप लेयर को रिमूव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे जो प्रोसेस आएगी सेकेंड, डेट इज डिगिंग प्रोसेस।
कौन सी प्रोसेस है? डिगिंग प्रोसेस। तो आप लिख लेना नेक्स्ट डिगिंग। प्रीता मैं एसएससी की ही मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा अपन ये वाली स्टेप को हम समझ लें, देन अपन डिस्कस करते हैं इस पे, ठीक है? आफ्टर क्लास हम डिस्कस करते हैं सिलेबस पर। ठीक है, नेक्स्ट आपकी यहाँ पे प्रोसेस है डिगिंग, और डिगिंग की प्रोसेस में आप यहाँ पे क्या करते हो? आप एक्सकेवेशन करते हैं। क्या करोगे आप? एक्सकेवेशन करोगे, मतलब अभी हमने टॉप लेयर को यहाँ पे रिमूव किया था, अब आप मिट्टी को खोदना चालू करोगे, डेट इज डिगिंग। वो आपका क्या कहलाता है? डिगिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख लेना डिगिंग में आपको यहाँ पे एक्सकेवेशन करना है। डिगिंग के बाद आपका जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर होगा प्रिपरेशन ऑफ द क्लेम। ठीक है, लिखते हैं थर्ड आपका जो यहाँ पर पॉइंट होगा दैट इज क्लीनिंग। नेक्स्ट आपका कौन सा पॉइंट होगा? यहाँ पे क्लीनिंग पॉइंट होगा, और क्लीनिंग में आप क्या करते हो? टू रिमूव इम्प्यूरिटी, टू रिमूव इम्प्योरिटी, जितनी भी इम्प्योरिटी आपकी सॉइल में ब्रिक अर्थ में प्रेजेंट है उसको आप क्लीनिंग के थ्रू क्या कर दोगे? हटा दोगे। अब क्लीनिंग में यहाँ पे क्या करना है? जैसे पेबल्स हुआ, वेजिटेटिव मैटर्स हुए, क्लियर, स्टोन्स हुए, छोटे छोटे कैंकर्स हुए, उसको आपको रिमूव करना है। ठीक है, इम्प्यूरिटीज में अपन इसमें क्या बात कर रहे हैं? पेबल्स की बात कर रहे हैं कि आप पेबल्स को हटाओगे। सेकंड आपने क्या बोला? वेजिटेशन या वेजिटेटिव मैटर्स जो आपके प्रेजेंस होंगे, ठीक है, स्टोन्स और कैंकर, तो यह आप क्लीनिंग में हटाने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर जो आपकी क्लियर क्लीनिंग में एक और चीज, आपकी जो लम्स वगैरह होते हैं क्लियर में, वो भी आप यहां पे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। नेक्स्ट यहां पे आता है आपका, नेक्स्ट आपका क्लीनिंग के बाद आएगा वेदरिंग। फोर्थ स्टेप इज वेदरिंग। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बैदरिंग पॉइंट आएगा। अब बैदरिंग में आपका क्या होता है कि जो आपकी क्लीनिंग के बाद आपको जो मिट्टी मिली, सॉइल या क्ले, आप जो भी ब्रेक अर्थ जो भी बोलो, तो ब्रेक अर्थ जो भी मिलेगा उसको हम ग्राउंड पर स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। तो स्प्रेडिंग ऑन ग्राउंड, इस प्रोसेस में आप क्या करते हो? ब्रिक अर्थ को स्प्रेड कर देते हो ग्राउंड पर। ठीक है, जब हम लार्ज प्रोजेक्ट की बात करते हैं या बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्रिक्स को बनाने वाले होते हैं, तब क्ले को बिफोर मानसून, मतलब बरसात शुरू होने के पहले हम डग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और